नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई दिनों से बाजार जलमग्न, सैकड़ों दुकानों में पानी घुसने से लाखों का हुआ नुकसान। सिकंदरपुर ओपी से कुछ ही दूरी पर स्थित किराना दुकान में हजारों की चोरी, बिखरे चावल के संकेत से चोर के घर पहुंच गई पुलिस। और दूसरी बार मेयर चुने गए सुरेश कुमार, शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर संभाला कामकाज। और अब खबरें विस्तार से। 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण नगर के बाजार भी कई दिनों से जलमग्न है और व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। 5 दिनों से जिले में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन थमसा गया है, लेकिन कल देर रात से जिले में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के मोतीझील, कल्याणी, धर्मशाला तथा तिलक मैदान रोड में घुटने भर पानी सड़क पर लग गया है। यही नहीं, मोतीझील के अधिकांश दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों के लाखों रुपए के सामानों की क्षति हो गई। कई दुकानदार अपने दुकानों से पानी निकालते नजर आए। दुकानदारों ने कहा कि दुकानों में पानी लगा है और हम लोगों को भारी नुकसान हुआ है और विधायक सांसद सिर्फ नाम के है। जल जमाव है और ये फर्दो नाला है, जो कि एकदम लबालब रास्ता और नाला कुछ नहीं बुझा रहा है। देख रहे हैं आदमी इसमें गिर रहा है। इतनी समस्या यहाँ जल जमाव की और नगर निगम की कोई यहाँ लापरवाही पूरी एकदम। मार्केट में, दुकान में पानी, मार्केट में काफी पानी, दुकान में पानी, लाखों के माल काफी नुकसान हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं है, न यहाँ का मेयर, न यहाँ का विधायक, न यहाँ का संसद। लोग कहते हैं कि सिटी स्मार्ट बनेगा, कोई सिटी नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है अभी से। लेकिन वही मोतीझील पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गया है। वाहनों से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। कितने लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, जो पैदल जा रहे थे वे किसी प्रकार ही पानी में चल रहे थे। बारिश का कारण मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 5 दिनों से रौद रूप लिए हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से कितनी भयानक बारिश हो चुकी है। आप ये नजारा देख सकते हैं, ये है मोतीझील। ये अपने नाम के अनुसार आज झील में तब्दील हो गया है। यहाँ के लगभग सैकड़ों दुकान पानी में जलमग्न हो चुके हैं। सड़क से जो वाहन गुजरते हैं, या छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, इस पानी में समा जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनकी मोटरसाइकिल जी नहीं सर, ये तो पूरे पानी से डूबा हुआ है। गाड़ी इसमें बंद हो गई है। कहाँ से आ रहे हैं? सलेंसर में पानी, तिलक मैदान रोड से आ रहे हैं। बंद हो गई गाड़ी, पूरी डूबी हुई है। सलेंसर पूरे पानी में डूबी, मोती झील पानी झील में डूबी हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि ये झील का नजारा, इनकी गाड़ी इसी पूरी सड़क पर बंद हो गई है। स्पष्ट होता है कि ये नगर निगम प्रशासन की ये क्या पूर्व तैयारी थी मानसून को लेकर, ये साफ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी संदीप के साथ प्रदीप कुमार के साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शहर के इस जल जमाव को देखते हुए मेयर सुरेश कुमार शहर का जायजा लिया और शहर की पानी की निकासी के लिए फर्दो नाले का निरीक्षण किया। आज बाबा के कृपा से हम फिर महापौर के पद पर सुशोभित हुए हैं और श्रावणी मेला के मद्देनजर यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं क्या जल जमाव समस्या है। और सुबह में भी शहर में पूरा घूमे हैं। नगर के सिकंदरपुर ओपी के समीप स्थित किराना दुकान से चोरों ने हजारों की संपत्ति चोरी कर ली। जिले में चोरों का आतंक जारी है। गुरुवार की देर रात चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए बगल की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला तब प्रकाश में आया जब चावल के दानों ने चोरी की घटना को उजागर किया। दरअसल यह घटना नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ओपी की है, जहां ओपी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक जनरल स्टोर दुकान के बगल वाला दीवार काटकर लगभग चावल, दाल और किराना आइटम सहित 2000 रुपया चोरों ने चुरा कर ले गया। घटना के संबंध में दुकानदार विश्वनाथ कुमार ने बताया कि कल देर रात वह दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान से किराना सामान सहित गल्ले में रखे रुपए भी गायब थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उक्त युवक कल देर शाम 100 रुपए के छुट्टे करवाने के लिए दुकान पर आया था और संभवतः तभी दुकान की रेकी भी की थी। देख लीजिए कितना गला हुआ संपत्ति होगा। करीब 15,000 रुपया की संपत्ति होगा। क्या क्या ले गया? सिलेंडर ले गया है 2 वो, उसके बाद चावल 5 बोरा है, 2 बोरा दाल है और खुदरा सामान सब इसमें से है। गल्ला में पैसा था 100 ले लिया है। घुसा किधर से है? दुकान से। सामू में है तो दुकान में आया था।
शाम में भी आया था, देख करके गया, खुदरा भजाने आया था, देख लिया है, उसके बाद फिर चल अचन मल्लिक आया था शाम को खुदरा भजाने 9 बजे रात में, तो पूरा मुआवजा कर लिया दुकान, हम खुदरा नहीं दे तो तभी खुदरा ले गया। हमको शक हुआ कि जब ये रात में कोई चोरी कर गई, चोर पक्का चोर है, और रात में फिर हम दुकान पर आ गए 11 बजे करीब में चोरी कर लिया। क्या क्या गायब क्या क्या भाई? 5 बोरा चावल गायब किया था, 2 सिलेंडर, 2 बोरा दाल और 1500 रुपया गायब। लगभग टोटल कितने की संपत्ति हो? करीब करीब 15-20 हज़ार की संपत्ति। फिर कैसे पता चला? हम सुबह आए रात में दुकान खोले तो देखे तो चावल गिरा हुआ था रास्ता में, वही देखे तो इतने अपना सामान गायब है, वही हमको पता था कि आए तो खुदरा बजाने से वही गायब किया। फिर उसके घर में कुछ नहीं गए, दिखाते नहीं है, तब यहाँ नहीं कुछ पाए खाना, जब यहाँ से कोई खबर किया तो थाना छापेमारी किया, सारा सामान आपका बरामद हो गया है? अभी कुछ बाकी है अभी। अच्छा, लगभग पूरा सामान बरामद हो गया? आधा से ज़्यादा हो गया अभी, मैंने 2 बोरा चावल और दाल अभी कुछ और बाकी। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश राणा। पूरा सामान बरामद नहीं हुआ घर में, दुकानदार विश्वनाथ ने इस घटना की जानकारी सिकंदरपुर ओपी पुलिस को दिया। घटना में फिल्मी मोड़ तब आया जब दुकानदार ने देखा कि चावल के दाने सड़क पर बिखरे हुए हैं और सिकंदरपुर ओपी के पीछे बसे हुए झोपड़ियों की तरफ गिरते हुए दिखाई दिया। चावल के दाने नीचे एक घर में जाकर खत्म हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद दुकानदार ने इस घटना की जानकारी सिकंदरपुर ओपी पुलिस को दिया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त घर की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में ही पुलिस ने घर से चोरी किए गए सभी सामानों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी सामानों को उक्त दुकानदार को सुपुर्द कर दिया है और हिरासत में लिए हुए युवक से पूछताछ कर उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कितना मिला है चावल का? ये चावल सिलेंडर है। अच्छा, क्या क्या बरामद हुई है अभी तक? अभी 2 सिलेंडर, 2 बोरा चावल, सारा सामान, दाल, दाल है, सारा सामान बरामद। चोरी के सारा सामान बरामद हो गया? हाँ। गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है? एक गिरफ्तारी हुआ है ना? एक गिरफ्तारी हुआ? हाँ, एक गिरफ्तार हुआ। अच्छा, कहाँ से लोग, कैसे चोरी, कैसे सूचना उठना मिला, क्या क्या कुछ कैसे किया था ये लोग? इतना तो दुकानदार दिया था। कैसे पता चला कि लोग यहाँ सामान लाके रखे हुए हैं? चावल का गिरा हुआ था ये रास्ता से, ठीक ना, ये दरवाजा पे चावल गिरा था, उसके सबके आधार पर आगे छापेमारी किया गया जी। कितने घर से सामान बरामद है? बजरंगी नाम है, बजरंगी उसका नाम है, जो गिरफ्तार है उसका नाम बजरंगी है। जिले में ऑनलाइन पुलिसिंग सिस्टम लागू किए जाने के उद्देश्य से विभागीय DIG ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। शुक्रवार को SCRB के DIG राजीव रंजन ने मुजफ्फरपुर जोन के 10 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय SSP कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के दौरान जिले के SSP मनोज कुमार एवं मुजफ्फरपुर जोन के 10 जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में SCRB के DIG राजीव रंजन ने उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। SCRB के DIG राजीव रंजन ने सिटी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि आज की बैठक में 2 विषयों पर चर्चा किया गया था। दोनों विषयों पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा कर निर्देश दिए गए। राजीव रंजन ने बताया कि दोनों विषय बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी है। महत्वपूर्ण दोनों विषय CCTNS परियोजना एवं क्राइम इन इंडिया विषय पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों के बीच विस्तृत जानकारी दिया गया। आज की बैठक 2 विषयों पर थी। एक CCTNS परियोजना, CCTNS प्रोजेक्ट बिहार की, बिहार पुलिस की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत सभी थानाओं को CCTNS प्रोजेक्ट से जोड़ा जाना है और सारे FIR और सारे कांड के अनुसंधान की स्थिति, सभी चीज़ ऑनलाइन होना है। तो इसी के संबंध में मुजफ्फरपुर जोन के सभी 10 जिलों में क्या प्रगति हो रही है, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या कठिनाई है, इसके लिए ये आज की बैठक की गई थी और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सारे डिस्कशन हुए और निर्देश दिए गए। क्योंकि नवम्बर तक इसे हम लोग काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। और दूसरा विषय था क्राइम इन इंडिया। क्राइम इन इंडिया जो बनाते हैं तो उसके बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं और उसको डाटा को शुद्ध भर करके और उसको हम लोग कंपाइल कर करके फिर भेजते हैं NCERB में, ताकि वो क्राइम इन इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश हो। तो उसमें कुछ जगहों पर कठिनाई आ रही थी, उसके लिए भी लोगों को सचेत किया गया
जागरूक किया गया और बताया गया कि कैसे ठीक ठीक उसके आंकड़े तैयार कर करके भरे जाने चाहिए। मुजफ्फरपुर के नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कार्यभार संभाल लिया तथा निगम की भावी कार्य योजनाओं के मामले में सिटी न्यूज से खास बातचीत की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मनीष कुमार मीना ने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कई पार्षद सहित मेयर सुरेश कुमार ने उन्हें बधाई दी। पदभार ग्रहण के बाद आयुक्त मनीष कुमार मीना ने सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार से बातचीत में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन को गति दी जाएगी, जल्द से जल्द योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। फिलहाल शहर को जल जमाव से छुटकारा दिलाना एवं श्रावणी मेले की तैयारी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि शहर के विकास एवं शहरवासियों की समस्याओं को दूर करना उनका लक्ष्य होगा। असल में मुजफ्फरपुर जो शहर है काफी पुराना शहर है। आज सुबह हमने इसका कुछ एरिया का क्षेत्र भ्रमण किया था क्योंकि पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। तो काफी जगह पर अभी हमको ये समझ में आया कि पानी शहर में रुक जाता है क्योंकि नाले का विड्थ उतना नहीं है कि जितना पानी स्टॉर्म ड्रेनेज के हिसाब से एक साथ निकल के जा सके, और वही नाला कहीं कहीं पर बीच बीच में अवरोध भी है उसमें, तो काफ़ी लोगों ने उसमें शहर अतिक्रमण भी कर रखा है जिसकी वजह से तो शहर का पानी जिस तरह से बह के तुरंत निकल जाना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। तो ये एक मुख्य समस्या है यहाँ का जो आज हम सुबह नोटिस किए, और क्योंकि बारिश में ये पूरा वैसा एरिया है जहाँ पर अपर लैंड में नेपाल साइड भी बारिश होता है तो ऊपर का पूरा फ्लडिंग होकर नीचे पानी आना है और उसमें काफ़ी बार गंडक का पानी शहर की तरफ भी आने की संभावना रहती है। तो उसमें काफ़ी स्लूस गेट को भी मजबूत उसमें करवाने की आवश्यकता ताकि गंडक की साइड का पानी शहर में ना आए, और दोनों ही स्थितियों से हमको उसमें निपटना होगा कि शहर का पानी को कैसे उसमें पंप आउट बाहर किया जाए और कैसे नदी के पानी को ड्राइव से रोका जाए। तो अभी बारिश के सीजन में तो जल जमाव और पानी का ड्रेनेज एक मुख्य समस्या है। अभी तुरंत ही क्योंकि श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, विधिवत वो आए, किसी तरह का विधि व्यवस्था का संभावना ना हो, उसके लिए हम लोग बैरिकेटिंग, प्रकाश की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, उनके आवासन स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था, इन सभी को प्रायोरिटी पर टेकअप कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम समीक्षात्मक बैठक भी बुलाए थे, काफ़ी डिटेल में उस पर चर्चा हुई है, उस पर अभी कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ भी उसका एक समीक्षात्मक बैठक है, उसमें भी काफ़ी डिटेल में जिला स्तर पर किस तरह का प्लानिंग है उसको समझते हुए हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा, उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कहाँ कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बॉटलनेक्स हैं उन सभी को समझते हुए हम विकास योजनाओं पर आगे काम करेंगे। सर, स्मार्ट सिटी भी है और देखा गया कि उसमें रफ्तार में काफ़ी कमी है विगत 1.5 वर्ष में, उसको किस रूप में? स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें स्मार्ट सड़क का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट है, उसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग योजनाओं का अलग अलग DPR बना के उनका टेंडर वगैरह का प्रक्रिया है, कहाँ पर कौन सी योजना में क्या बॉटलनेक है उसका डिटेल्ड समीक्षा करने के बाद आपको अच्छे से उसको बता पाएंगे। धीमी चल रही है, तो धीमी चलने का मुख्य कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि अभी हम उसका समीक्षा नहीं किए हैं कि हो सकता है कि उसका भी जो नियम कानून का प्रक्रिया है वही अभी तक हो सकता है कहीं पर लंबित हो। तो एक बार जब समीक्षा हो जाएगा उसके बाद हम उसको बताने की बेहतर पोजिशन में होंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए हम उसको तत्काल धरातल पर योजनाओं को काम शुरू करें ताकि जो अभी तक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कहीं पे दिख नहीं रहा है वो धरातल पर लोगों को दिखने लगे, और जो स्मार्ट सिटी के अंदर हम लोगों ने ड्रीम किया है कि सभी तरह की सुविधाओं से युक्त हमारा शहर हो वो हमारा शहर बन पाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सर कोई परियोजना है आपके पास? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे अभी हम जिस जिला से आए हैं वहाँ पर क्योंकि सुखाड़ काफ़ी बड़ा समस्या था तो वहाँ पर हम लोगों ने इस तरह की योजना टेकअप की थी। तो यहाँ पर बारिश का काफ़ी पानी होता है, अगर सिटीजन्स इसके बारे में अवेयर होकर अपने बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक टैंक बना लें और पूरा छत का पानी को उसमें स्टोर कर लें तो साल भर में जितना उनका ज़रूरत का पानी होता है उससे ज़्यादा वो लोग उसमें संचय कर सकते हैं, और उससे वाटर ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और आसपास की सुविधाओं पर भी उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी गर्मियों के सीज़न में पानी का समस्या हो जाता है और फ्यूचर में ये समस्या और भी विकट होने वाली है। तो अगर अभी हम सब जागरूक होकर बारिश के सीज़न में जो भी बारिश हो रहा है उसको संचय कर लेंगे तो हम अपनी भविष्य को एक बेहतर पानी के साथ और अच्छे संसाधनों के साथ अगली जनरेशन को हम दे पाएंगे। क्योंकि धन संचय हम सभी लोग करते हैं लेकिन जल संचय हम लोग अभी तक नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में आप धन नहीं खाइएगा,
जल भोजन ये आदमी का बेसिक नीड है, तो इसलिए ये सब रिसोर्सेज बचाने का एक जन जागरूकता अभियान की भी यहाँ पर आवश्यकता है। और उसके लिए हम सभी को अपने अपने स्तर पर भी काम करने की जरूरत है कि सभी लोग अपनी बिल्डिंग्स में, बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं लगता है, केवल टैंक नीचे बना देना है और उसमें बारिश का पानी को उसमें स्टोर कर लेना है ताकि उसमें काफ़ी जरूरत की जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनमें उस पानी का उपयोग ले सकते हैं और नीचे जाके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करता है। उत्तर बिहार में लगातार वर्षा के कारण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में उफान आ गया है। उत्तर बिहार में लगातार 5 दिनों से बारिश जारी रही, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, इससे निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन की तैयारी में हैं। तटबंधों पर दबाव बढ़ने से लोग सहमे हैं। बागमती के जलस्तर में वृद्धि होने से शुक्रवार को बेनी बाद औराई मार्ग पर यातायात ठप हो गया। बसघट्टा डायवर्जन पर भी पानी चढ़ गया, इससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं पानी के तेज बहाव से डायवर्जन पर निर्मित पुलिया ध्वस्त हो गई। ग्रामीण अपने परिवार और मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। बागमती परियोजना उत्तरी और दक्षिणी बांध के बीच अवस्थित एक दर्जन गांव में चारों तरफ घिरे बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी ट्रेन सेवा अगले आदेश तक रोक दी गई है। इसके बाद नाव के सहारे लोग अपने अपने घरों का सामान और जानवरों का चारा लाने को मजबूर है। दोबारा मेयर चुने जाने के बाद सुरेश कुमार शुक्रवार को अपने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला और नगर में व्याप्त समस्या के समाधान में जुट गए। नगर निगम कार्यालय में दोबारा बने मेयर सुरेश कुमार अपने सभी पार्षदों के साथ पहुंचे। इस दौरान मेयर समर्थकों ने मेयर सुरेश कुमार, नंद बाबू समेत सभी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मेयर सुरेश कुमार को नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद मेयर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त तथा सभी पार्षदों ने श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बाबा गरीबनाथ स्थान मंदिर परिसर पहुंचे। सभी लोगों ने पहले बाबा का पूजा किया, इसके बाद मंदिर महंत से मुलाकात कर तैयारियों पर चर्चा की। बाबा के कृपा से हम फिर महापौर के पद पर सूचित हुए हैं और श्रावणी मेला के मद्देनज़र यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं क्या जल जमाव समस्या है। और सुबह में भी शहर में पूरा घूमे हैं, जल जमाव समस्या का निदान भी किए हम लोग हैं। और हमारे नगर नए नगर आए हैं, आज उनका साथ पहला मेरा मीटिंग हुआ है, उनके साथ में आए हैं और देखे हैं। और श्रावणी मेला में बढ़िया आपकी व्यवस्था रहेगा और बाबा यहीं पर हैं कहाँ बाबा, और हर साल की भांति इस साल भी मैं 2 लेबर यहां पर देने घोषणा करता हूं और बढ़िया सब कुछ हो। LS कॉलेज में चल रहे दो बिहार बिहार बटालियन NCC के प्रशिक्षण शिविर में तीसरे दिन कैडेटों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। LS कॉलेज NCC दो बिहार बटालियन के ग्राउंड में कैडेटों को आग से बचाव की जानकारी दी गई। अग्निशमन सेवा के फायर फाइटरों ने कैडेटों को आग से बचने, आग बुझाने एवं जल जाने या आग में फंस जाने पर कैसे बचाव करना है इसकी जानकारी दी गई। NCC के CO ने कैडेटों के लिए इस प्रकार की जागरूकता अभियान को बेहद जरूरी बताते हुए सभी के लिए इसे लाभप्रद बताया। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था,
और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि LTs ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% आया है JEE मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए। मेरा नाम निधि कुमारी है और JEE मेन 2019 में 94.6% आया है, इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE मेन 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। अगर आप फैशन की दुनिया में अपने आप को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप चिंता ना करें, आपके इस समस्या को दूर करने के लिए खुल गया है आपके अपने शहर में संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ बाहर के कारीगरों द्वारा कुशल काम किया जाता है। सभी प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर कलर, ब्लीच, फेशियल, शेविंग, हेयर डिजाइनिंग तथा मसाज भी किया जाता है। यही नहीं, शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे को सजाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर, राजमीना मार्केट, आम गोला रोड, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर। आप हमें इस नंबर पर भी
संपर्क कर सकते हैं 9798634075। यहाँ पे बाहरी कारीगर द्वारा जो भी है वो आधुनिक तरीका से सर्टिफिकेशन जो कस्टमर का हो सके वो हम देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवावे सुविधा, ताकि वो खुश हों और हमारे यहाँ बार बार आने का उनका मौका मिले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। नगर में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने परमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शहर में जल जमाव से शहर वासियों को हो रही परेशानी, नालों पर अतिक्रमण और नाला सफाई को लेकर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शहर में जहां भी नाला और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की जाँच कराई जाए, और अगर उससे जल निकासी नहीं होती है तो आयुक्त अपने स्तर से जाँच कर कार्रवाई करे। कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की जयंती मनाई। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू की 102वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सदस्य सत्येंद्र बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि सत्येंद्र बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को समर्पित कर दी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार के विकास में लगा दी। मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू की 102वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन करते हुए काफी खुशी हो रही है। स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू के जीवनी को, उनके विचारों को हम अपने जीवनी में उतारने का काम करें एवं जन जागरण के माध्यम से आज के युवाओं को यह बताने का कार्य करें। इनकी विचार हमारे लिए और हमारे समाज के लिए काफी अनुकरणीय है। एक अच्छे बिहार के, सुंदर बिहार के निर्माण में इनकी विचारों की एक महती भूमिका है। जिले में बाढ़ की उत्पन्न स्थिति के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। औराई विधानसभा क्षेत्र तथा कटरा प्रखंड के कई गांव के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी चला गया। वहीं कई गांव में बाढ़ का खतरा देखते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष रामसूरत राय जिलाधिकारी से मुलाकात कर बाढ़ की समस्याओं पर बातचीत की और वहां के परिस्थितियों से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष भी हूं, औराई का जनप्रतिनिधि भी था और हूं। औराई की समस्या अपने आप में अजूबा समस्या है, जो थोड़ा भी पानी होने के कारण, नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण वहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी चीज़ को आगाह करने के लिए मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ और उनको मैंने कहा है कि सर्वप्रथम वहाँ डॉक्टरों की टीम व्यवस्थित हो, नाव की सुविधा मुहैया किया जाए, और जिन लाभुकों का पुराना भुगतान बाकी है, जो 6 महीना साल भर से पेंडिंग पड़ा रहा चुनाव के कारण जो पेंडिंग था, उन सबको अविलंब व्यवस्था पेमेंट करवा दिया जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। और हमारा जो कटरा प्रखंड का जो पार्ट है, जो हमारा 16 पंचायत जो कटरा के उस छोर पर जाता है लखनदेई बागमती नदी के उस पार में, जिस कारण से हमारी परेशानी बढ़ जाती है, वहाँ पर डायवर्सन नहीं है, वहाँ पर बोट की व्यवस्था कर दिया जाए। गंगिया पुल जो रात में पीपा पुल हमारा दह गया है, उस जगह अविलंब आज से कल में नाव की व्यवस्था हो जाए, नाव न मिले तो वहाँ बोट चला जाए। उन्होंने श्योर किया है डीएम साहब ने, मैं इस पर पहले से भी अलर्ट हूँ और आपने बताया है, मैं जल्द से जल्द अपने पदाधिकारियों को उस पर, सभी विभाग के पदाधिकारी आरसीडी के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, आरईओ के हों, चाहे पीएचडी को, सभी को बुला के बैठक ले रहे हैं और बोले कि विलंब व्यवस्था करा के मैं औराई कटरा को दुरुस्त करने का कोशिश करूँ। मिठनपुरा स्थित सुधांजलि में नवगीत के प्रवर्तक कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह का स्मृति दिवस नवगीत दिवस के रूप में मनाया गया। मिठनपुरा स्थित सुधांजलि में कवि राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में नवगीत दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कवियों ने कवि राजेंद्र प्रसाद की गीत और कविताओं पर चर्चा की, साथ ही उनकी रचनाओं का पाठ भी किया। नवगीत दिवस उनकी 1958 में गीतागणी काव्य यात्रा में नवगीत शब्द का पहली बार प्रयोग में उनके द्वारा लाया गया था। कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह की जयंती के अवसर पर आज 12 जुलाई को हम लोग सुधांजलि में नवगीत दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और नवगीत दिवस इसलिए हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह गीत प्रगीत मुक्तक निरंतर लिखते हुए उन्होंने ही 1958 में नई त्वरा नई ऊर्जा के गीतों को संग्रहित संपादित करते हुए गीतांगिनी में नाम से कृति प्रकाशित की, और उसी में उसकी भूमिका में नवगीत शब्द पहली बार दिया और नवगीत की प्रवृत्तियों का निर्धारण और निरूपण किया।
राजेंद्र प्रसाद सिंह की काव्य यात्रा, साहित्य यात्रा, भूमिका से लेकर लाल निर्धारा तक निरंतर है। विभिन्न विधाओं में राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते रहे और राजेंद्र प्रसाद सिंह विभिन्न ज्ञान धाराओं के परिचित थे। मुजफ्फरपुर उनकी कर्मस्थली, उनकी जन्मस्थली है और हम सब गौरवान्वित हैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को लेकर जिनकी कृति का रसास्वादन संपूर्ण संसार में किया जाता है। सो यह आई स्टैंड के माध्यम से कनाडा और अंग्रेजी भाषा में भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। इमली चट्टी स्थित एक सभागार में पावर कट और बिजली संबंधी समस्याओं पर केंद्रीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में पावर कट और शॉर्ट सर्किट सहित बिजली से संबंधित समस्याओं से निजात हेतु प्रिया गौरव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पावर मेंटेनेंस सर्विस के द्वारा ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बेतिया से आए टेक्नीशियन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यह कंपनी मुजफ्फरपुर, गया, लखीसराय, जमुई, आरा, बांका सहित बिहार के कई जिलों में पावर मेंटेनेंस सर्विसेज की सेवा दे रही है। कि पहले आप लोग देखते थे कि गांव हो, शहर हो, वहां पे सरकार गवर्नमेंट जो है पोल से लेके तार तक सुविधा देती थी। वहां से जब कंज्यूमर एक लेटर देते थे, इंफॉर्मेशन करते थे, उसके बाद सरकार वहां से लेकर के मीटर तक कनेक्शन दे देती थी। उसके बाद जब भी कस्टमर को घर के अंदर फॉल्ट आती थी, उस फॉल्ट में प्राइवेट मिस्त्री को कॉल करके वो रिपेयर करवाते थे। तो इसी सिलसिले में हमारी कंपनी पावर मेंटेनेंस सर्विस एक कस्टमर के लिए परियोजना लाई है, जिसमें हर एक पंचायत में हम एक PPMO लड़का बहाल करते हैं, जो ITI इलेक्ट्रीशियन लड़का होता है। कस्टमर को इसमें सुविधा हम देते हैं। सुविधा के तौर पे कस्टमर से दो प्रकार का पेमेंट हम लोग लेते हैं। फर्स्ट पेमेंट जो हम लोग लेते हैं 500 रुपीज़ लेते हैं। 500 रुपीज़ में 1 ईयर्स, उसमें कस्टमर को पूरे साल में जितनी बार भी अगर फॉल्ट आती है, उस फॉल्ट पे हमारे जितने भी लड़के हर पंचायत के लिए PPMO बहाल किए हैं, वो लड़का हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के पूरे साल उनको सर्विस देगा। साथ में ही फील्ड में समस्या आती है, जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, उस सिचुएशन में कस्टमर को कुछ नहीं मिलता है, उस कंडीशन में हमारी कंपनी सर्विस के साथ साथ कंज्यूमर को, कस्टमर को 0 से लेकर के 1 लाख तक की बीमा देती है। 1 लाख रुपए तक की अगर शॉर्ट सर्किट से उनके घर में आग लग जाती है, क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो हमारी टीम जाके सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद उनकी जो भी क्षतिपूर्ति होती है 0 से लेकर 1 लाख तक की फैसिलिटी उनको मिलेगी। साथ में मैंने पहले बताया कि दो प्रकार से हम लोग पेमेंट ले रहे हैं। दूसरी फैसिलिटी क्या है कि दूसरी फैसिलिटी, जैसे बहुत सारे कस्टमर आर्थिक स्थिति सिचुएशन खराब होती है, उस कंडीशन में 6 माही करके 300-300 करके ये सुविधा ले सकते हैं। हमारे कंपनी की उद्देश्य है कि घर घर बिजली की समस्या प्रॉब्लम सॉल्व करना। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।